हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विथ राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 6 मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाते हैं जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस थे NK सिंह, अजय नारायण झा, शक्तिकांत दास, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, युवा विज्ञान कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, इसरो। युवा विज्ञान कार्यक्रम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नवी कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टी के दौरान लगभग 2 सप्ताह की अवधि का होगा, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 3 छात्रों का चयन करने का प्रस्ताव है, जिसमें ICSE और राज्य पाठ्यक्रम शामिल होंगे। अब ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो हम सबसे पहले इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। इसरो के निदेशक हैं K सिवन। ये इसरो के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं अशोक कश्यप, बलराम सिंह, आर शंकर नारायणन, भगवान लाल साहनी। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव और आचार्य तलज्जू को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी के नामों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 यानी कि 1993 को रद्द करने के बाद 2018 में संसद द्वारा NCBC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस तिथि को 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें यानी कि 68वें सत्र में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित किया गया था। इस दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। थीम इम्पॉर्टेंट होती है, तो थीम देख लीजिए। इस वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस की थीम है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। थीम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य का हेलाकांडी जिला शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, असम। असम राज्य का हेलाकांडी जिला शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार असम का हेलाकांडी जिला देश के 112 एस्पिरेशनल जिलों में शीर्ष आकांक्षात्मक जिला घोषित किया गया है। नवंबर दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के दौरान अपने प्रदर्शन के आधार पर 52वें स्थान से पहले स्थान की विशाल छलांग लगाई है। इस जिले ने एक आकांक्षात्मक जिले के रूप में पहली रैंक हासिल करने के लिए हेलाकांडी जिले को 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
अब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी नीति आयोग के द्वारा। सबसे पहले नीति आयोग का फुल फॉर्म जानिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अब ये पुरस्कार जीता है असम ने, तो सबसे पहले हम मैप देखते हैं। देखिए ये है इंडिया का मैप और इसमें असम, ये है असम। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों से लगती है। यहाँ के कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सर्वानंद सोनेवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। जनसंख्या की दृष्टि से असम भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 72.19%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 77.85% और महिला साक्षरता दर है 66.27%। ये असम के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेसिडेंट्स कलर्स 2019 पुरस्कार किस वायु सेना स्टेशन को दिया गया है? ऑप्शंस हैं हिंडन, पालम, हकीमपेट, पठानकोट। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, हकीमपेट। हकीमपेट वायु स्टेशन को प्रेसिडेंट्स कलर्स 2019 पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने सुलूर एयर फोर्स स्टेशन के कार्यक्रम में भाग लिया जहां ये पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ भी मौजूद थे। इस वर्ष दो इकाइयों को प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड प्रदान किया गया है, जिसमें एक है हकीमपेट, दूसरा है 5 बेस रिपेयर डिपो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ल्यूक पेरी का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शंस हैं पत्रकार, अभिनेता, साहित्यकार, संगीतकार। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अभिनेता। देखिए यही हैं ल्यूक पेरी, जिनका 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अमेरिका के थे और इनका निधन कैलिफोर्निया में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाटन दिशा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मेघालय। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने तीसरी कक्षा से आठवीं कक्षा के छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आंकलन करने और फिर से उनके वर्तमान स्तर में सुधार के लिए नाटन शिक्षा नई दिशा की घोषणा की है। इसका शुभारंभ राज्य के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने किया है। गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों द्वारा 800 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। परियोजना की अवधि 1 महीने और परियोजना के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब ये त्रिपुरा द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप देखते हैं। ये है इंडिया का मैप और इसमें त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की सीमा असम और मिजोरम राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विप्ल कुमार देव, यहाँ के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। जनसंख्या की दृष्टि से त्रिपुरा भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 961 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 87.22%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 91.53% और महिला साक्षरता दर है 82.73%। ये त्रिपुरा के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शंस हैं सतीश रेड्डी, के सिवन, जे विल्सन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, सतीश रेड्डी। देखिए यही हैं सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिया गया है। सतीश रेड्डी जो कि DRDO के अध्यक्ष भी हैं। यह पुरस्कार अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि AIAA द्वारा दिया गया है। इसमें जे विल्सन को सह विजेता घोषित किया गया है,
जो रेथियान मिसाइल सिस्टम के पूर्व प्रिंसिपल इंजीनियरिंग सदस्य हैं। सतीश रेड्डी 40 वर्ष में अमेरिका के बाहर से इस पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। अब ये डीआरडीओ के हैं, तो सबसे पहले हम डीआरडीओ का फुल फॉर्म देखते हैं। डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 यानी कि 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष या निदेशक आपको पता है सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस बैंक को तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस हैं देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इंडियन बैंक। चेन्नई में मुख्यालय वाले इंडियन बैंक यानी इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार इंडियन बैंक को दिया गया है। तमिलनाडु के सेलम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी द्वारा इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक एम के भट्टाचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यह पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु द्वारा। तो हम सबसे पहले इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए, यह है इंडिया का मैप और इसमें तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु जिसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला और पुडुचेरी राज्य से लगती है। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के ई के पलानी सामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात 995 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर है 80.09%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 86.77% और महिला साक्षरता दर है 73.44%। ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अब आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है जल अमृत योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा या फिर कर्नाटक। ये आज के यानी कि 6 मार्च 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।